मीरा मेरठ में गृहिणी थी। उनके पति एक बैंक में कैशियर के रूप में काम कर रहे थे। हर दिन उसके पति बहुत पैसा देखते थे, लेकिन फिर भी वे एक मध्यम वर्गीय परिवार थे। मीरा की पड़ोसन सुनीता, वो बहुत अमीर थी, हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनने, एसी कार में यात्रा करना आदि। उनके पति रियल एस्टेट में ब्रोकर थे। मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने हमेशा अपने पति को एक बेहतर नौकरी पाने या सुनीता के पति की तरह कुछ व्यवसाय करने के लिए कहा, ताकि उनके पास भी एक अच्छा और खुशहाल जीवन हो। वो लॉटरी की टिकट भी हर महीने खरीदती थी, ताकि रातों रात अमीर बन सके। अमित एक शांत दिमाग का व्यक्ति था। वो उसे बताता था कि सुनीता का पति जमीन और फ्लैटों के जाली दस्तावेजों के साथ डील करता है। ये उसे किसी दिन किसी बड़े परेशानी में बदल देगा। कभी कभी अमीर होना एक समस्या है। हमें देखो, हम एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। मीरा उसकी बातें नहीं सुनती और हमेशा जिद्दी की तरह व्यवहार करती थी। वो तनाव और ईर्ष्या के कारण दिन पर दिन पतली होती जा रही थी। उसने पड़ोसी सुनीता के साथ बात करना बंद कर दिया और दिन ब दिन अपने ही परिवार के साथ असभ्य व्यवहार करने लगी। एक दिन जब वो सो रही थी, तो भगवान कृष्ण उनके सपने में आए। उन्होंने कहा कि मीरा, तुम हमेशा सभी के साथ अच्छी रही हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना प्रिय भक्त माना है। तुमने जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद की है, लेकिन आजकल तुम बदल गई हो। क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? तो मीरा ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं हमेशा उसी रास्ते पे चली हूँ जो आपने मुझे दिखाए हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। मैं सिर्फ सुनीता की तरह अमीर बनना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, क्या ये तुम्हारी परम इच्छा है? तो मीरा ने जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं निवेदन करती हूँ, मुझे इस कठिन समस्या से बाहर निकाले और मेरी मदद करे। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और प्रभु गायब हो गए। मीरा जाग गई। वो ये जानकर दुखी हुई कि ये सब सपना था। उसके पति अभी भी बगल में सो रहे थे। ये सुबह 8 बजा था। उसने उससे पूछा, क्या आप अभी तक नहीं उठे हैं? आपको अपने बैंक जाने के लिए देर हो जाएगी। तो अमित ने जवाब दिया, तुम नशे में हो क्या? मैं बैंक में काम नहीं करता हूँ, मैं एक दलाल हूँ। और हाँ, हमारे बेटे को लॉकर से कुछ नगद निकाल करके दे दो, उसे नए लैपटॉप खरीदना है। तो मीरा ने आश्चर्य से कहा, कौन सा लॉकर? तो अमित ने बोला, अरे वही जो अपने ड्रेसिंग टेबल के पास में है। तो मीरा जाकर के वहां देखी तो वहां वास्तव में एक लॉकर था। मीरा हैरान थी। उसने जल्दी से उसे खोला। वो नगदी और गहनों से भरा था। वो बाहर भाग आई। उसके पार्किंग क्षेत्र में कार थी। फिर वो अपने घर के हर एक कमरे में गई। उसके हर एक घर बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए थे। उसके बेटे ने नई मैकबुक के लिए 2 लाख रुपए मांगे, जो उसने उसे तुरंत दे दिए। अमित सुबह 11 बजे उठा और चाय बनाने के लिए कहा। तो मीरा चाय बनाने जा ही रही थी तो अमित को देखा कि वो पूरे पसीने से भीगा हुआ है। तो अमित ने फिर से कहा कि एक गिलास पानी भी देना। तो मीरा ने कहा, एक क्या हुआ तुम्हें? तो अमित ने कहा, कुछ खास नहीं, बस हाई ब्लड प्रेशर है। तो मीरा ने कहा, ये कब हुआ? तो अमित ने बोला, पिछले 5 साल से तो है, पता नहीं तुम्हें? और बहुत अधिक तेलीय भोजन करना बंद करो, अपने पेट को देखो, तुम्हें बीमारी हो सकती है। मीरा ने अपने पेट को देखा, वो अब एक मोटी महिला थी। फिर अमित ने कहा, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, अगली सुबह वापस आऊंगा। मीरा ने उसे ध्यान से नहीं सुना, लेकिन ठीक कह दिया। उसी रात 4 चोर उसके घर में घुस गए, क्योंकि वे जानते थे कि अमित वहां नहीं था। मीरा घबरा गई, वो चिल्लाई। चोर ने उसे चाकू से मारा, जिससे उसके हाथ में कट लग गया। पड़ोसियों ने कुछ आवाज सुना। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। चोरों ने लिविंग रूम में सजाए गए सभी कीमती सामानों को चुरा लिया। फिर मीरा के पास आए, उसके हार छीन लिए और उसके कानों के झुमके झपट लिए। उसके कानों से खून बहने लगा। वो फिर दर्द से चिल्ला उठी। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो चोर पिछले दरवाजे से भाग निकले।
मीरा के कानों से खून बह रहा था। कोई उसे अस्पताल ले गया। उसका बेटा डर के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। दिन बीत गए, मीरा ठीक हो गई, लेकिन वो सो नहीं पाई। वो सोचती रही कि चोर अभी भी उसके पैसे चोरी करना चाहता है। एक दिन पुलिस के अधिकारी उसके घर में आए और जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में अमित को गिरफ्तार कर लिया। तो अमित ने बोला, मुझे फंसाया जा रहा है, और निपटान करने की कोशिश की। तो पुलिस अधिकारी ने कहा, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये ऊपर से आदेश है। उसी समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ। पुलिस स्टेशन के बजाय उसे अस्पताल ले जाया गया। मीरा बुरी तरह रोने लगी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि वो गंभीर है। अस्पताल के अंदर एक भगवान कृष्ण का मंदिर था। मीरा उस ओर दौड़ी, वहीं गिरकर रोने लगी। मीरा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करे, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कृपया मेरे पति को बचाओ, अपने सारे पैसे ले लो, मैं रात को सो नहीं सकती, मेरे पति हर रात घर नहीं आते, मैं अपने बेटे की देखभाल ठीक से नहीं कर सकती, अपना सारा धन वापस ले लो और मुझे मेरा पुराना सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करो, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो, वो कहती रही। फिर क्या था, अमित ने उसे हिलाकर सपने से बाहर किया। वो उठी तो अमित ने कहा, बुरा सपना देख रही थी क्या? मीरा असमंजस में थी, कुछ ना बोली। मीरा को अपनी कलाई में दर्द महसूस हुआ, चाकू का निशान अभी भी था। उसने प्रभु कृष्ण को याद किया और उन्हें धन्यवाद किया और अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया।